गुड इवनिंग फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने दो टॉपिक फिनिश कर लिए हैं, एक सब्जेक्ट एग्रीमेंट और एक नाउ, तीन रुक गए, एक प्रोनाउन भी हमारा खत्म हो गया। आज हम शुरू करेंगे एडजेक्टिव। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा बिकॉज ऑफ सम वर्क। आज हम आधे घंटे का ही सेशन लेंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण मतलब ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता को बतलाते हैं, उन्हें विशेषण की कैटेगरी में रखा जाता है। विशेषण को लेकर जब हम बात करते हैं तो पूरी भाषा में आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे बने बनाए विशेषण अवेलेबल हैं। यदि हम किसी भी संज्ञा के पहले कोई एक वर्ड जोड़ें और उसके बारे में कुछ बताएं तो वो उसका विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने पेन के बारे में आपको जो जो बताया वो उस पेन का विशेषण हो जाएगा। हमने क्या बोला, पुराना पेन है, नया पेन है, अच्छा पेन है, खानदानी पेन है, पुश्तैनी पेन है, मेरा पेन है, तुम्हारा पेन है, एकमात्र पेन है, भारतीय पेन है। तो जो भी वर्ड आप पेन के पहले जोड़ रहे हो वो सारे के सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बने बनाए एडजेक्टिव अवेलेबल हैं जिन्हें हम संज्ञाओं के पहले रखते हैं। तो जितने भी कलर्स हैं, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, वो सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। जितने भी आपने प्रमाण पढ़े, माय, आर, योर, इज, आर, इट, अदर, ये भी एडजेक्टिव कहलाएंगे। जितनी गिनती है 1, 2, 3, 8, ये भी एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो कोई भी वर्ड जो किसी संज्ञा के बारे में कुछ बताए उसे हम क्या बोलने लगेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। अब मुद्दा आता है एडजेक्टिव कहां लगाएंगे। तो किसी भी सेंटेंस में यदि आपको एडजेक्टिव लगाना है तो एडजेक्टिव का यूज कहां किया जाएगा, संज्ञाओं के ठीक पहले। यदि आपके पास एक सेंटेंस में 20 नाउन है, इसके मतलब आप 20 एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। हर एक नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है। अब एडजेक्टिव के जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव के साथ साथ एक और टॉपिक आता है एडवर्ब। ये दोनों साथ में चलते हैं। एडवर्ब मतलब ऐसे शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बतलाएंगे, उनको एडवर्ब की कैटेगरी में रखा जाएगा। एडवर्ब को पहचाने कैसे, तो आप कोई भी एक एडजेक्टिव लीजिए, उसमें एक एलवाई मारिए, जब एलवाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। दैट मीन्स जिन जिन शब्दों के आखिरी में आपको एलवाई मिल रहे हैं वो सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, एडवर्ब की कैटेगरी में रखे जाएंगे। जैसे हमने कहा भाई ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव, इसी में आपने एलवाई जोड़ा तो नाउ यू गेट ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब कहां लगाए जाएंगे, तो एडवर्ब की लोकेशन क्या है, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में, सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में, या एक्शन वर्ब के ठीक पहले। तीन लोकेशन, एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और एट द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। अब पहली गड़बड़ी यहां से शुरू होती है। एग्जामिनर क्या करता है, एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब और एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव, ये आपसे पूछता है, ये करेक्शन वो आपसे करवाता है, जिससे आपको ध्यान देना था एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब और एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव, ये करेक्शन वो करवाए। तो हमें पता कैसे चलेगा, तो संज्ञा के पहले यदि आप लगा रहे हो तो संज्ञा के पहले क्या आएंगे, एडजेक्टिव, और सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल लास्ट में, या एक्शन वर्ब के पहले क्या आ जाएंगे, एडवर्ब। एडवर्ब को पहचाने का तरीका क्या है, जिन जिन शब्दों के आखिरी में एडवर्ब आएगा वो सब क्या कराएंगे, एडवर्ब की कैटेगरी में रखे जाएंगे। जैसे आपने कहा स्लो, स्लो में आपने एडवर्ब लगा दिया तो गेट स्लोली, तो स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आपने कहा ऑनेस्ट, ईमानदार, एलवाई लगाया, यू गेट ऑनेस्टली, ईमानदारी से क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो जिन जिन शब्दों के आखिरी में एलवाई का यूज किया जाएगा वो सब क्या कराएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। तो पहली बात हो गई एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडवर्ब के डिफरेंस क्या है, तो जो संज्ञा की विशेषता को बताएंगे वो एडजेक्टिव, जो वर्ब की विशेषता को बताएंगे वो एडवर्ब। पहचाने का तरीका, जिन शब्दों के आखिरी में एलवाई मिलेगा वो एडवर्ब। जगह, संज्ञा जहां जहां मिलेंगी, सेंटेंस में संज्ञा जहां जहां मिलेंगी, हर संज्ञा के पहले आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं, एडवर्ब बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल आखिरी में, या एक्शन वर्ब के ठीक पहले यूज किया जाएगा। अब यहां पर हमने डिस्कस किया, ये इन शब्दों की बात हो रही है जो ऑलरेडी भाषा में बने बनाए हैं, जो ऑलरेडी आपको डिजाइन मिल रहे हैं, उन एडजेक्टिव्स की बात हो रही है। अब कुछ एडजेक्टिव आप भाषा में बनाते हैं, तो नाउ वी गो विद दिस वन, इससे इसके आगे बढ़ते हैं। तो पहला आता है थर्ड फॉर्म का यूज एडजेक्टिव की तरह। यदि आप किसी वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो थर्ड फॉर्म का एक ही काम है, वो क्या बताएगा, पूरा करने के बाद। आपने कोई काम पूरा किया और पूरा करने के बाद बोलेंगे तो किससे बताया जाएगा, थर्ड फॉर्म से। और ये थर्ड फॉर्म कैसे काम करेंगे, एक एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। जैसे हमने बोला भाई रिपन मैंगो, तो अब ये मैंगो में कौन सा वाला है भाई, तो मैंगो में कौन सा वाला है, रिपन,
तो रिपन कैसे काम करेगा, एक एग्जेक्टिव की तरह काम करेगा। तो रिपन मैंगो का मतलब क्या हो जाएगा, पका पकाया आम, पका पकाया आम। कब बोलेंगे, पकाने के बाद पका लो, अब बोलो भाई पका पकाया है, तो पकाने के लिए क्या हो जाएगा रिपन मैंगो, तो रिपन क्या हो जाएगा एक एग्जेक्टिव की तरह काम करेगा। तो अब एग्जामिनर पूछेगा, वो लिख के देगा यस्टरडे आई परचेज अ राइप मैंगो, एरर हो गई भाई, क्योंकि अ राइप मैंगो नहीं होगा, अ रिपन मैंगो होगा। तो रिपन जो है उस मैंगो की विशेषता को बता रहा है। जैसे आपने बोला ब्रोकन चेयर, तो चेयर में कौन सी वाली है, ब्रोकन है, तो ब्रोकन जो है वो एक एक्सेप्टिव की तरह काम करेगा। ये मैं तो यहाँ पर मैंगो क्या था नाउन और रिपन जो था वो एक्सेप्टिव था। सेम इज देयर, चेयर क्या हो जाएगी नाउन और उसकी विशेषता आप किससे बता रहे हैं ब्रोकन से, तो ब्रोकन कैसे काम करेगा एक एक्सेप्टिव की तरह काम करेगा। जैसे आप बोले स्टडी आई परचेज अ ब्रेक चेयर, तो एरर हो गई, ब्रेक नहीं होगा, क्या हो जाएगा अ ब्रोकन चेयर। तो ब्रोकन कैसे काम कर रहा है, एक एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जैसे आपने बोला स्टोलन वॉच, तो वॉच क्या हो जाएगा नाउन, वॉच में कौन सी वाली है स्टोलन, तो स्टोलन कैसे काम करेगा एक एग्जेक्टिव की तरह काम करेगा। तो यदि किसी शब्द में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो थर्ड फॉर्म है वो भी एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं। और यह बहुत सारे तैयार कर सकते, जैसे आपने बोला भाई धोले धुलाए कपड़े क्या बोलेंगे, वॉश्ड क्लोथ्स, उबला हुआ पानी बॉइल्ड वाटर, उबले हुए अंडे बॉइल्ड एग, देखी हुई मूवी वॉच्ड मूवी, सुने हुए गाने लिसेंड सॉन्ग। तो ये जो थर्ड फॉर्म्स हैं ये भी कैसे काम करेंगे, एक एग्जेक्टिव की तरह काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आईएनजी फॉर्म्स को भी हम एग्जेक्टिव्स की तरह यूज करते हैं। आईएनजी क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी रेगुलरिटी, काम चल रहा है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, पूरा हो गया है। आईएनजी बताएगा कॉन्टिन्यूटी चल रहा है। जैसे आपने बोला भाई वॉकिंग स्टिक, स्टिक क्या हो जाएगा नाउन और इस स्टिक की विशेषता किससे बता रहे, वॉकिंग से। तो वॉकिंग कैसे काम करेगा, एक एग्जेक्टिव की तरह काम करेगा। चलने वाली छड़ी, तो ये चली हुई छड़ी नहीं, चली हुई होती तो थर्ड फॉर्म हो जाता, चलने वाली है तो क्या हो जाएगा वॉकिंग स्टिक हो जाएगा। जैसे आपने बोला भाई स्पीकिंग पर्सन, तो पर्सन नाउन हो जाएगा और पर्सन की विशेषता किससे बता रहे हैं, स्पीकिंग से। तो स्पीकिंग कैसे काम करेगा, एक एग्जेक्टिव की तरह काम करेगा, बोलने वाला व्यक्ति, चलने वाली छड़ी, भौंकने वाला कुत्ता, तो डॉग क्या हो जाएगा नाउन और उसकी विशेषता कौन बता रहा है बार्क, तो बार्किंग डॉग, भौंकने वाला कुत्ता। तो जितने भी आईएनजी फॉर्म है ये भी कैसे काम करेंगे, एग्जेक्टिव की तरह काम करेंगे। नाउ हमने कितनी बात पढ़ी, आपके पास ऑलरेडी भाषा में बनाए बनाए बहुत सारे एग्जेक्टिव्स हैं, उन एग्जेक्टिव में जो एडवाई लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे एडवर्ब हो जाएंगे। एग्जेक्टिव कहाँ लगाए जाएंगे, एग्जेक्टिव का यूज हमेशा संज्ञाओं के ठीक पहले किया जाएगा। एडवर्ब कहाँ लगाए जाएंगे, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में, सेंटेंस के बिल्कुल आखिरी में, एक्शन वर्ब के ठीक पहले। फिर थर्ड फॉर्म जो है वो एग्जेक्टिव की तरह काम करेंगे, तीसरा आईएनजी फॉर्म भी एग्जेक्टिव की तरह काम करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। नाउ वी हैव टेकन सम एग्जांपल्स, जैसे आपने बोला ही मेट एन ऑनेस्टली मैन, अब यहाँ पर गड़बड़ी क्या होगी, तो यहाँ पर गड़बड़ी क्या होगी, ही मेट एन ऑनेस्टली मैन, अब आपने कह लिख दिया ऑनेस्टली मैन, एलवाई ऑनेस्टली जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा एडवर्ब, अभी अपन बात कर रहे थे यदि किसी शब्द के आखिरी में एलवाई आएगा तो एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब हो गया। लगाया किसके पहले मैन, मैन क्या हो जाएगा नाउन और मैन के पहले आपने क्या ले लिया ऑनेस्टली, तो एरर हो जाएगी, क्यों, यदि किसी शब्द के आखिरी में एलवाई है तो एडवर्ब, और एडवर्ब कभी नाउन के पहले नहीं लगेंगे, एडवर्ब बिल्कुल शुरू में या बिल्कुल लास्ट में यूज किए जाएंगे। तो ऑनेस्टली मैन की जगह ये एरर हो गई, उसकी जगह आप क्या लिखेंगे ऑनेस्ट। तो सबसे पहली बात तो हमसे ये पूछना शुरू करता है एक्सेप्टिव की जगह एडवर्ब और एडवर्ब की जगह एक्सेप्टिव। जैसे शी वॉज टॉकिंग प्रॉपर, अब प्रॉपर आपने आखिरी में लगाए, अब प्रॉपर किसकी विशेषता बता रहा है कि वो बात कर रही थी, बात कैसे कर रही थी, अच्छे से बात कर रही थी। तो वर्ब की विशेषता जब बताते हैं तो वो किससे बताई जाएगी, एलवाई वाले शब्दों से, तो शी वॉज टॉकिंग प्रॉपर गलत, she was talking properly, his brother is ये थोड़ा सा his brother
has got has also been 1 minute guys, we just make a small correction. ईमानदारी से पढ़ा रहा था, तो ये जो ऑनेस्ट है इसके बाद कोई नाउन ही नहीं है, अकेला लगा हुआ है। और ये ऑनेस्ट किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। और यदि किसी वर्ब की विशेषता बताएंगे तो कैसे बताना पड़ेगा? अदरवाइज से तो यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा? ऑनेस्टली हो जाएगा, तो हो जाएगा ही वॉज टीचिंग ऑनेस्टली इन द क्लास। दिस इज अ वॉशर, ये किसकी बात हो रही है? जैसे बोलो ये एक धुली हुई शर्ट है, धुली धुलाई शर्ट है, मतलब पूरा करने के बाद। और पूरा करने के बाद बोलेंगे तो किससे बताना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म से, तो ये वॉश नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा? वॉश हो जाएगा। तो दिस इज अ वॉश, आई सॉ बार्क डॉग। तो भैया बार्क डॉग को नहीं देखेंगे, भौंकने वाला कुत्ता, और वाला है तो आईएनजी फॉर्म से बताना पड़ेगा। आई सॉ अ बार्क डॉग, नहीं अ बार्किंग डॉग। I saw a barking dog. This is a break chair. तो ये एक break chair नहीं है, टूटी हुई कुर्सी है। और टूटी हुई तो third form से बताएंगे, तो this is a break chair नहीं, this is a broken chair. तो इस तरह से वो आपसे exam में पूछेगा। अभी हमने adjective शुरू नहीं किया हुआ है, अभी तो ये बिल्कुल introductory part चल रहा है, जहां पर हम बता रहे हैं कि देखो ये आपको इतनी बात भी पता है, कितनी? कि एडजेक्टिव कहाँ लगते हैं? नाउन के पहले। एडवर्ब कहाँ लगते हैं? बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल आखिरी में, अक्षर वर्ग के पहले। जिनमें एडवर्ब लगाएंगे वो एडवर्ब है, जिनमें एडवर्ब नहीं लगाएंगे वो एडजेक्टिव है। इतनी बात भी यदि आपको पता है तो इतनी एडवर्ब तो आप करेक्ट कर ही सकते हैं जो एडजेक्टिव से रिलेट करती है। धीरे टॉपिक पढ़ेंगे तो और बातें आएंगी, पर ये बिल्कुल बेसिक भी पता है यदि किसी को, तो इतना काम तो एग्जाम में वो करके आ ही सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज हियर। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं, यदि आप एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एक्सेप्टिव यदि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है इसका मतलब है वो डिग्री पढ़ रहा है, और जो डिग्री पढ़ रहा है इसका मतलब है वो एक्सेप्टिव पढ़ रहा है। जैसे बोला टॉल, इतना लंबा, ये क्या हो गया? एक्सेप्टिव हो गया। अब टॉल के तीनों फॉर्म को टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो डिग्री हो जाएगी। बिग यानी बड़ा, बिग के तीनों फॉर्म को बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगी। तो यदि आप डिग्री पढ़ रहे हो इसका मतलब फाइनली आप एक्सेप्टिव पढ़ रहे हो, एक्सेप्टिव पढ़ रहे हो मतलब डिग्री तो पढ़नी पड़ेगी। तो एक्सेप्टिव के अंदर ही क्या आता है? डिग्री आती है। दूसरा एग्जाम्पल बोला वाटर, कितना है? Some water, much water, a lot of water, less water. तो आप पानी की मात्रा बताए, कितना पानी है? बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा है। तो ये जो मात्रक शब्द आप लेते हैं, डेट्रिमिनल्स वर्ड लेते हैं, ये डेट्रिमिनल्स वर्ड भी एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव दो शब्दों से मिलकर, दो टॉपिक से मिलकर, डिग्री और डेट्रिमिनल्स, इनको एक साथ रखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एग्जेक्टिव। इसमें एलवा जोड़े तो यही क्या हो जाएगा? एडवर्ब की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, क्या? डेट्रिमिनल्स और डिग्री। अगली क्लास में, आज नहीं कराऊंगा मैं, अगली क्लास में कल हम शुरुआत करेंगे डिटरमिनर से। ये दो दो के जोड़े में पाए जाते हैं, लाइक विल गेट, सम और एनी, फ्यूवर और लेस, मच और मैनी, फ्यू और लिटिल, लेटर और लेटर। ये डबल टी है भाई ना, इट शुड बी डबल टी, एल ए डबल टी आर, लेटर और लिटिल, ओल्डर और एल्डर, फर्दर और फार्दर। तो ये दो दो के जोड़े में आपको मिलेंगे, तो ये डिटरमिनर्स हैं, इनको दो दो के जोड़े में इनको पढ़ना है, जो हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन में इनका वेटेज बहुत ज्यादा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब थोड़ा वोकैबुलरी सेशन की तरफ चलिए, जैसे हमने आपसे बोला आज का सेशन आधे घंटे का ही रहेगा, डिटरमिनर्स हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि डिटरमिनर्स एक लंबा टॉपिक है, उसके लिए पूरा एक घंटे का अलग सेशन ही रखेंगे। अब नाउ वी गो फॉर सम वोकैबुलरी। Why did you make that flippant remark?
तो यहाँ पर वर्ड हमारे पास कौन सा अंडरलाइन, फ्लिपेंट रिमार्क। तुमने एक फ्लिपेंट रिमार्क यानी टिप्पणी, तुमने एक फ्लिपेंट टिप्पणी क्यों दी। फ्लिपेंट क्या हो जाएगी, हाईली क्रिटिकल, क्रिटिकल विचारणीय, सोचनीय, पेचीदा, ये हो जाएगा। नॉट शोइंग डिजर्व रिस्पेक्ट, ऐसी जिसको कोई रिस्पेक्ट ना दिया, डिजर्व मतलब जो रिस्पेक्ट उसको मिलना चाहिए रिस्पेक्ट उसको नहीं मिल रही है। कैजुअल लापरवाह, ढीली ढाली, और इनडिफरेंट, इनडिफरेंट उदासीन, ऐसा ही थी। तो फ्लिपेंट का मतलब हो जाएगा कैजुअल रिमार्क, ऐसे दे दिया रिमार्क, क्या ठीक नहीं अच्छा। तो कैजुअल मतलब जो बहुत सिंसियर ना हो, दैट इज कॉल्ड कैजुअल। तो फ्लिपेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कैजुअल। द नेक्स्ट वर्ड वी गो फॉर नाउ, दिस इज नॉट एन ओकेजन, ओकेजन अवसर, दिस इज नॉट एन ओकेजन टू मेक एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, स्पीच ऐसी जो इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू मतलब जो बिना तैयारी किया, विदाउट प्रिपरेशन कुछ भी बोल दिया, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू। तो विदाउट इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट प्रिपरेशन, थॉटलेस, जिनमें कोई विचार ही ना हो, विचार के बिना, इम्प्रॉपर, जो प्रॉपर ना हो, प्रॉपर आपको पता है विचार ना हो, और लॉन्ग एंड बोरिंग, ये तो आप जानते हैं, लॉन्ग है लंबी, बोरिंग है पक्का देने वाली स्पीच। तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होगा, विदाउट प्रिपरेशन। देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड दैट इज रेजिडेंट इन द रिपोर्ट, ऐसा कोई वर्ड नहीं था, एक भी शब्द नहीं था जो रिपोर्ट, देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड, एक भी वर्ड नहीं है दैट इज रेजिडेंट इन द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट में रेजिडेंट नहीं है, मतलब जिसकी क्या नहीं है रिपोर्ट में, आवश्यकता नहीं है। तो क्या नहीं है, नॉट नीडेड, तो रेजिडेंट मतलब आवश्यक, जरूरी नहीं, बाकी अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट मतलब भी वही हो जाएगा जो जरूरी ना हो। बॉम्बस्ट, बॉम्बस्ट को लेकर जब बात करते हैं तो बॉम्बस्ट इज अ वर्ड जो यूज किया जाएगा आडंबर, ढोंग बताने के लिए, तो बॉम्बस्ट आडंबर या ढोंग, और फ्लावरी, फ्लावर आपको पता ही है, तो फ्लावर से ही बना है फ्लावरी, फ्लावरी मतलब गुच्छेदार, लच्छेदार, फूलनुमा। तो यहां पर रेजिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट नीडेड, जिसकी जरूरत नहीं थी। द कंट्रीज इकोनॉमी इज, भारत अब हमारे देश की इकोनॉमी है, इज बिगिनिंग, वो बिगिन कर रही है टू लुक अप नाउ, लुक अप, ऐसा बोले नहीं दिया, लुक अप बोल देखो, इसका मतलब आप ऊपर देखोगे, ऊपर कब देखोगे, जब पढ़ते नहीं करोगे, मैं नीचे देखोगे मतलब नीचे आ रहा हूं, नाउ गए ग्रोथ नहीं हो रही, ऊपर ग्रोथ हो रही है, ध्यान रखिए लुक अप, ऐसे ध्यान रखिए, लुक अप मतलब प्रगति, तो लुक अप मतलब लुक क्लियर, साफ साफ दिखाई देना, तो सामने देखना पड़ेगा भाई, गो डाउन नीचे देखो, लुक डाउन देखो भाई, रिमेन स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट बने रहो, और इंप्रूव। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, लुक अप का मतलब क्या हो जाएगा, इंप्रूव, आगे बढ़ना, प्रगति करना। नाउ द लास्ट फ्रेज, लास्ट सेंटेंस, इट्स इट नीड्स एन एक्सपर्ट, हमें एक्सपर्ट की जरूरत है टू डेसिफर, डेसिफर करने के लिए द सीक्रेट। अब सीक्रेट को हम क्या करते हैं, खुलते हैं, सुझाते हैं, बताते हैं, ये छुपाते हैं, ये तो सीक्रेट छुपाओगे या सीक्रेट हो जाएगा करोगे, तो सीक्रेट में दो ही चीजें हैं, तो छुपाओगे या हो जाएगा, तो सीक्रेट को, सीक्रेट मैसेज को सेंड टू द आर्मी ऑफिसर, जो आपने आपको भेजा गया है ड्यूरिंग वार टाइम, वार टाइम के साथ भेजा गया, अब वार टाइम के साथ मैसेज भेजा गया, उसको तो आपको समझना पड़ेगा, बुझाना पड़ेगा। तो डिसिफर का मतलब क्या हो जाएगा, एक है स्विंडल, डिकोड, मेकअप, और डेफे, डेफे मतलब अनादर करना, तो भाई मैसेज का अनादर नहीं करेंगे, सीक्रेट का अनादर नहीं करेंगे। मेकअप करना, मेकअप आप करते हैं है ना, महिलाएं मेकअप करती हैं, तो मेकअप का मतलब होता है कमियों को दूर करना, सुधारना, तो मेकअप यानी त्रुटियों को दूर करना या उसे सुधारना। डिकोड करना मतलब हम वो कोड और डिकोड, जो कंप्यूटर में कोडिंग और डिकोडिंग होती है, तो डिकोड करते हैं मतलब आपसे तोड़ते हैं, सुलझाते हैं, गुत्थी को सुलझाते हैं, समझते हैं, विस्तार करते हैं उसका, तो डेसिफर का मतलब डिकोड हो जाएगा, उसका विस्तार करेंगे, डिटेल उसको बताएंगे। और स्पिंडल का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना। तो आज का जैसे मैंने आपसे कहा था, आज का सेशन बहुत लंबा नहीं लेने वाले हैं,
आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था एग्जेक्टिव का और ये कुछ वोकैब थी। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैब तो हम दे ही रहे आपको ताकि आप उतने उतने वर्ड जो रखते हैं ये सारे वर्ड जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आज कितना ही रहेगा, आज हम फ्रेज भी नहीं करा रहे, अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम डेटर्मिनर से शुरू करेंगे और आपको फ्रेज भी आगे करेंगे वोकैब देंगे। आज कितना रहेगा, गुड नाइट टू ऑल, मीटिंग टुमारो।